नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले दैनिक भरोसा टीवी को। ऐसे में हम आपकी मुलाकात नियमित तौर पर विशेषज्ञ डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर मलिक हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। ऑर्थो के स्पेशलिस्ट हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे आपकी बातचीत कराएंगे और जानेंगे कि दैनिक जो रूटीन है हमारा, रोज़ाना का जो रूटीन है, उसमें हमें किस तरह की सावधानियाँ बरतनी है, क्या खान पान रखना है, हड्डियों से संबंधित रोगों के लिए क्या उपचार है और किस तरह के बचाव हैं। सर, हमसे जुड़ने के लिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। दैनिक जीवन में जो हमारा रूटीन है, उसमें हम हड्डियों से संबंधित बीमारियां हम में ना हों, उसके लिए किस तरह के हमें उपाय करने चाहिए, किस तरह का हमारा खान पान रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफस्टाइल में ना एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल है। और एक्सरसाइज के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप थोड़ा बहुत जिम में जा सकते हैं, या फिर आप योगा इज़ ए वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप रेगुलर अपने लाइफस्टाइल में योगा को इनकॉर्पोरेट कर लें तो आपकी जो जॉइंट्स की और बोन्स की हेल्थ है वो बहुत बढ़िया रहती है। बिकॉज जैसे जैसे मसल्स डेवलप होते हैं, साथ साथ जो बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं उसके साथ। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यूथ जो जिम में अपना व्यायाम करता है, अपनी प्रैक्टिस करता है, तो उनके साथ भी हड्डियों से संबंधित दिक्कतें आ जाती हैं, तो उनको किस तरह की एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए, किस तरह की सावधानियाँ उनको बरतनी चाहिए जिससे उनको इस तरह के रोगों का सामना ना करना पड़े? देखिए, ऐसे है जो भी एक्टिविटी, मतलब बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कुछ भी करने के लिए। जैसे जो जिम है ना, मेरे हिसाब से वो सबके लिए नहीं होता है वो, क्योंकि कुछ लोगों को रादर उसका नुकसान भी हो जाता है। तो वही उस आपको अपनी बॉडी बता देगी वो। अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। इट मे बी दैट कि वो जिम आपके लिए नहीं सूट करेगा आपको, तो देन इन दैट केस आई थिंक योगा है और रेगुलर वॉक कर सकते हैं, दैट्स ए वेरी गुड ऑप्शन। किस तरह हड्डी से संबंधित जो रोग होते हैं सर, उनमें किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लक्षण पहले से किस तरह के दिखाई देते हैं जिनको पहले से ही कंट्रोल किया जा सके? हड्डियों के मेनली सिम्टम तो पेन से स्टार्ट होते हैं, जनरली पेन होता है। जैसे जनरलाइज, अगर जनरलाइज एक सेंट पेन्स है तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी बोन्स वीक हो रही हैं, वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या जैसे जो हमारा जो गरीब तत्व है उनमें कई बार वैसे इन जनरली उनकी मेल न्यूट्रिशन होती है, तो उसमें पूरी बॉडी में पेन्स हो जाती हैं उनको। और दूसरा जो कुछ जो दूसरी डिजीज़ हैं वो एज रिलेटेड हैं, या जैसे मिसयूज़ करने से हो जाता है। कि जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को आजकल एक बड़ा फैशन हुआ है रनिंग करने का, तो कई सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे ट्रैक्स नहीं है रनिंग के लिए, तो उसका जो रनिंग का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो नी पे पड़ता है, और बहुत सारे पेशेंट्स के नी हर्ट हो जाते हैं उससे और वो डैमेज हो जाते हैं। तो आई थिंक यू मस्ट लिसन टू योर बॉडी। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो यू शुड स्लो डाउन, वो थोड़ा कम करना चाहिए उसको। बढ़ती उम्र में हड्डियों से संबंधित जो रोग हैं उनकी होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में बढ़ती उम्र में या फिर कहें कि 50 प्लस के बाद में किस तरीके से सावधानियां बरतनी हैं, और उनसे संबंधित अगर इस तरह की कोई परेशानी आ रही हैं तो क्या विशेषज्ञ से सलाह लेनी है या फिर घर पर ही उपचार संभव है? नहीं, एक बार तो कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए, एटलीस्ट आइडेंटिफाई हो जाए, आपका डायग्नोज हो जाए क्या चीज़ है। उसके बाद मोस्टली जो है ऑर्थो की जो प्रॉब्लम है वो आप खुद ही एक्सरसाइज से और जनरल केयर से, जैसे सिकाई है और रेगुलर कुछ डाइट कुछ सप्लीमेंट्स हैं, उससे बहुत बेनिफिट्स हो जाता है आपको। सर, आपने काफ़ी समय प्रैक्टिस किया है, बड़े लंबे टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे में दर्शकों को कोई आप मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे? बस मुझे यही कहना है कि एक तो ना अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज और एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर ऑन इनकॉर्पोरेट करें, और जैसे मैंने पहले बताया कि धूप में या फ्रेश लाइट में ज़रूर जाना चाहिए हमारे को, और वाइटामिन डी जो है बहुत ही एक तरह से एपिडेमिक की तरह उसकी डेफिशिएंसी आई हुई है, तो वाइटामिन डी को हमारे को रेगुलर एक या तो बीच बीच में चेक कराते रहें और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसकी डोज लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मलिक, जिन्होंने बताया कि हड्डी से संबंधित अगर रोग हों तो डॉक्टर की परामर्श बेहद ज़रूरी है। हालांकि और व्यायाम के साथ साथ नियमित तौर पर उन्हें अनुशासन तौर पर व्यायाम करना चाहिए जिससे कि हड्डी से संबंधित रोग ना हो। ऐसे ही और भी विशेषज्ञ से आपकी बातचीत कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें दैनिक भरोसा टीवी। नमस्कार। yeah!